रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में यदि आपको एडमिशन लेना है तो ICAR की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें आपको जाना होता है। टॉप में जाना है तो टॉप रैंकिंग वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एडमिशन लेना होता है। और उनमें एडमिशन लेने के लिए 2022 तक तो ICAR का अलग से सेपरेट एग्ज़ाम होता था, लेकिन 2023 में CUT का जो एग्ज़ाम है उसी में इस एग्ज़ाम को शामिल कर दिया गया। और CUT की परीक्षा के बाद में CUT ने अपना जो है रिजल्ट जारी किया और वो रिजल्ट ICAR को सौंप दिया। और आज ICAR ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है काउंसलिंग के लिए वो चालू किया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ टाइम बाद में आपको रैंक कार्ड मिलेगा और उसके बाद में कंटिन्यू आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ICAR के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सबसे पहले कि सर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना है, तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। जो आपकी वेबसाइट है वो है icaradmission.in। गूगल पे आपको लॉगिन करना होगा इसको, और जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। अब ICAR ने क्या किया है, CUT में जो आपने ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे डाली थी, उस ईमेल आईडी पर आपको इस वेबसाइट का लिंक प्लस आईडी और पासवर्ड नए काउंसलिंग के लिए जो है आपको जारी किए हैं। अब यदि मान लो किसी को ईमेल के ऊपर आपको आईडी या पासवर्ड प्राप्त नहीं हुए, तो ये ईमेल आईडी है, इस पे आपको अपनी डिटेल सेंड करनी है और आपको लिखना है कि मेरे को अभी तक जो है आईडी पासवर्ड नहीं मिले हैं, तो आपको आईडी पासवर्ड यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने ICAR को जो है जब CUT का फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम सिलेक्ट किया था, उनके ज़्यादातर बच्चों के मेल आ चुका है, और जिन्होंने सेलेक्ट नहीं किया वो बच्चे एक बार मेल ज़रूर करें, कुछ ही समय बाद में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड आपके पास आए गए, अब आप इसको लॉगिन करोगे तो इस इंटरफेस पे यहाँ आपको एप्लीकेंट लॉगिन और यूनिवर्सिटी लॉगिन आ रहा है, तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे यहाँ जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो जो आईडी पासवर्ड आपको मेल पे प्राप्त हुए हैं वहाँ से आपको साइन इन करना होगा। साइन इन जब आप करोगे तो आपसे यहाँ से आईडी और पासवर्ड मांग लेंगे। यहाँ आपको लॉगिन आईडी और अपने पासवर्ड जो हैं वो आपको डालने हैं। तो मैं एक कैंडिडेट के आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि जैसे ही आप आईडी पासवर्ड फिलअप करोगे तो क्या डिटेल जो है आपको जो है आगे फिलअप करनी होगी, क्या आगे का कंटिन्यू आपका प्रोसेस रहने वाला है। जैसे ही आप अपने आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, ऐसा जो आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा, जहाँ पे आपको रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन प्रीव्यू फॉर्म हेल्प डेस्क नज़र आ रहा आपको, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आपको अभी आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे लिखा हुआ आ रहा है इनकम्प्लीट। अब आपको इसको कंप्लीट करना होगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और इसके लिए आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इतनी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी, एप्लीकेशन डिटेल, इसके अलावा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल, ये टोटल 7 जो है स्टेप है, ये आपको क्लियर करना है। इस कैंडिडेट ने अपनी 5 स्टेप क्लियर कर ली है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटेड, और जो नहीं किए वहाँ इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर, तो आपको अपनी पूरी डिटेल जो है यहाँ फिलअप करना होगा, उसके बाद में एक बार आपको प्रीव्यू करके पूरा अपना चेक कर लेना, उसके बाद में कंफर्म कर देना है। इस तरीके से करके यह आपका जो है पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कुछ समय बाद में अपनी रैंक कार्ड जारी होगा, उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा। अब आपको पता है आपके इस रॉयल संस्थान के द्वारा लास्ट ईयर 2022 के अंदर 400 से ऊपर बच्चे देश के अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेलेक्ट होके गए। ICAR न्यू दिल्ली में भी 10 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होके गए। आपको पता है हमने लास्ट ईयर बच्चों को जिनके बहुत अच्छी रैंक रही थी उनको 3 बाइक 3 स्कूटी भी दी थी, उनमें ज़्यादातर बच्चे आपको ICAR में मिलेंगे। इसके अलावा इस साल भी
देश के अंदर 2023 के अंदर जितने भी बच्चों के 100% आइल आए थे पूरे देश को मिला के एग्रीकल्चर वर्ग में, उनमें से आधे बच्चे अकेले आपके रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। 99% आइल से ऊपर लगभग 200 से ऊपर बच्चे हैं। मैं एक एक बच्चे की डिटेल, उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज मिली, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो बना के बच्चों की डिटेल के साथ मैं देने वाला हूँ। हाँ, ऐसे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे परसेंटाइल आए हैं, ऐसे बच्चों को काउंसलिंग में किसी भी तरह की जो है मिस्टेक नहीं करनी है। आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो, यदि आपने काउंसलिंग में एरर कर दी तो कहीं ना कहीं आपके दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपके रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और ICR 2023 की पूरी काउंसलिंग की आपको जानकारी हम देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी है। आपको पता है ICR टोटल 11 स्ट्रीम में डील करता है, जहाँ आप 4 ईयर कोर्स करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से BSc, जनरल, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपकी होम साइंस, ऐसे बहुत सारी 11 ब्रांच है जिनके अंदर ICR जो है डील करता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है, किस में आपको एडमिशन लेना चाहिए और जिसका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, प्लस रॉयल का ऐप डाउनलोड करके रखें ताकि पूरी डिटेल हम आपको अवेलेबल करा सकें। पुनः मैं कह रहा हूँ, बहुत दुख होता है कि एक साल बच्चा जब तैयारी करता है या 11th 12th के साथ में अच्छे से पढ़ता है, अच्छे नंबर भी ले आता है, लेकिन जानकारी के अभाव में अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर अच्छे रहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वो गलत यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। हम और हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए एक अच्छी काउंसलिंग जो होगी वो करने की कोशिश करेंगे, अच्छी रैंक लिस्ट आपको अवेलेबल कराएंगे। आपको पता है ICR के अंदर आपको 36,000 रुपये स्कॉलरशिप में। आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी पूरी टीम इस पूरी काउंसलिंग में आपका साथ देने वाली है और आप अपना बिना टाइम खराब करें व्यवस्थित तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। किसी भी तरीके से आपको हौचपौच होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।